बच्चे को क्या होता है ना कि आप रनिंग करने के बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है मसल पेन होता है ना, लोहा का कौन करता है, लोहा काटता है, तो रनिंग का दर्द रनिंग में खत्म होता है। कितना देर में कितना कितना क्या क्या करना है थोड़ा? रनिंग के सबसे पहले बिहार पुलिस के लिए आपको अगर पांच नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी आया हूँ जहाँ पर सिपाही बहाली की तैयारी कराते हैं। कई इन लोगों का वीडियो चला चुका हूँ कि कैसे क्या तैयारी कराते हैं और क्या क्या समस्याएं आती है सिपाही के बहाली के दौरान, पीटी के दौरान, वो तमाम चीज़ें अभी ये सर लोग हैं वो बताएंगे। सर आप ही तैयारी कराते हैं? जी मैं उतना काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक अपनी ट्रेनिंग हुई है उस हिसाब से मैं मनीष भैया के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पर ट्रेनिंग करवाता हूँ। और हम लोग यहाँ पर इंडियन आर्मी और बिहार पुलिस और SI की जो प्रिपरेशन होती है यहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर सारे युवा हैं और हमारी बहनें भी हैं, तो हम लोग सब मिलकर यहाँ पर रेगुलर मेहनत करते हैं। ये मैं बता दूं कि राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम है जहाँ पर हम लोग सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर खासकर अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है तो बिहार पुलिस के प्रिपरेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बाकी सारे यहाँ पर डिफेंस के लवर्स हैं और सभी फौज के दीवाने पहले से ही है और हमारा जुनून हमेशा से हाई रहा है। और संघर्ष एकेडमी ये बस नाम नहीं है, ये एक जज्बा है उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये जीवन बिना संघर्ष के नीरस है। इस जीवन में आप तभी कुछ पा सकते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं। तो संघर्ष एक नाम नहीं, एक ब्रांड होना चाहिए अपने जीवन में। संघर्ष को अपने जीवन में जो भी उतारता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने मुकाम को पाता है। और कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कितने कितने स्टूडेंट का तैयारी कराते हैं? अरे अभी मैं, आप तो जानबे करते हैं बिहार दुर्गा में जब टाइगर बैंड हुआ था तो आप मेरा वाइट भी ले चुके हैं, रात्रि में भी कराया था आप या, और उसके बाद बैंड होने के बाद वहाँ भी मैं टाइगर कैसे कराया जाता है मैं वहाँ भी बताता, आपके वीडियो में ढंग से बता दिया था। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं ठीक है और मेरी बहन भी हैं ठीक है ना, आपको बेसिक से सिखाया जाता है वर्कआउट क्या कहा जाता है ना, अगर न्यूरो का प्रॉब्लम है तो हड्डी विभाग से ना दिखाइए। तो SHing के लिए ओमकार जी आए हुए हैं, ये जो स्पेशलिस्ट हैं जो इस रनिंग के लिए स्पेशलिस्ट माना जाते हैं, रनिंग के लिए स्पेशलिस्ट हैं। और मैं हाई जंप कराता हूँ और SHing रनिंग का जिम्मा यही करवाते हैं। आप वीडियो संघर्ष डिफेंस एकेडमी का वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो बिहार पुलिस के अभी पास आउट हुए हैं और गांव देहात से जो रहे हुए हैं आप आ सकते हैं बेफिक्र होकर। आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए, भीड़ का हिस्सा ना बनिए, आप भीड़ का हट के कुछ काम बिल्कुल। पिछले बार कितना दरोगा निकला था बताइए? दरोगा पिछले बार मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, मैं लिखित रिकॉर्ड दूंगा। मेरे पास 45 स्टूडेंट थे, 30 मेरिट बने हैं। उसके बाद 30 दरोगा आप बना दिए, मेरिट बने हैं। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद मैं रात्रि में सिखाया था। सुबोध सर हैं, मैं सुबोध सर और रितेश सर तीन लोग ट्रेनर हमको मिलकर सिखा रहे थे रात्रि भर। यह शाम को 7 बजे से लगा रात में 3 बजे तक मैं सिखाता था। उसका अनगिनत कभी मैं काउंटिंग नहीं किया हूँ कितना सिखा था। हर एकेडमी के बच्चे आते थे, अगर कोई पटना का अगर एकेडमी कोई मात्र अगर कुछ रात में सिखाया था, संघर्ष डिफेंस एकेडमी है, संघर्ष डिफेंस एकेडमी। अभी पुलिस का किस बैच का तैयारी करा रहे हैं? बिहार पुलिस का एकदम न्यू बैच है, बिहार बेसिक से आप देखभे करते हैं। ओमकार जी हैं जो रनिंग करने के बाद SHing हम बार बार SHing कैसे किया जाता है बच्चे को क्या होता है ना कि आप रनिंग करने के बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है मसल पेन होता है। तो लोग बहुत सारे आजकल डॉक्टर ट्रेनर सब हो गए हैं, डॉक्टर बोलते ये दवा खा लेना, बहुत सारे इशू हो गई है, ये दवा खा लेना, ब्रोपेन खा लेना, ये खा लेना, तो दवा से दूर ना। अगर कहा जाता है ना लोहा का कौन करता है, लोहा काटता है, तो रनिंग का दर्द रनिंग में खत्म होता है। कितना देर में कितना कितना क्या क्या करना है थोड़ा? रनिंग के सबसे पहले बिहार पुलिस के लिए आपको अगर चार आठ मारते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। चार नंबर आठ मारते हैं 21 नंबर मिलेगा। अगर 5 फीट मारते हैं 25 नंबर मिलेगा। अगर गोला 20 फीट प्लस फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। 50 नंबर हुआ। अगर 5 फीट के अंदर आप मारते हैं 1600 रनिंग 5 के अंदर मारते हैं तो आपको 50 में 50 मिलेगा। और आपके 5-20 के अंदर मारते हैं 5-20 के अंदर आपको मिलेगा 40 नंबर। तो यहाँ संघर्ष डिफेंस एकेडमी वाले 5-20 में लगभग बच्चे हैं 80% बच्चे 5-20 मारने के, ये मेरी गारंटी रहती है। आप मेरे से नहीं, मेरे बच्चे से पूछ लीजिए एक वर्कआउट को, मेरी बहनों से पूछ लीजिए। मेरी बहन अभी कोई ट्रायल करके दिखाएं कोई स्टूडेंट? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करिए।
दूर से, दूर हो जाओ, इधर से मारेगा, इधर से करे बना, करे 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 उधर से जाइए ना, पीछे से ना, पीछे से सही रहेगा। राहुल भैया ये कितना फीट है मनीष जी? 4.5 फीट है। हाँ, 4.5 फीट है। हाँ, फाना क्वालिफाइड करना 4 फीट है और 4.5 फीट 4.8 फरना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? मतलब मेरी बहन 4-5 दिन से घर चली गई। कुछ कुछ बोलिएगा आप लोग। आज आई है? आज से ही आए हैं। न्यू ही है? हाँ, न्यू ही है। फर्स्ट डे ये बने में से कुछ कुछ बताइएगा यहाँ की तैयारी के बारे में। आज फर्स्ट डे है मेरा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम मनीष सर अच्छा कोऑपरेट करते हैं, हम लोग चाहेंगे कि मनीष सर जैसे फॉलो करते हैं, हम उन्हें फॉलो, हम भी उन्हें फॉलो करें और संघर्ष करके अपना वर्दी हासिल करें। और भी स्टूडेंट हैं, आप लोग इन्हीं से सीखते हैं? हाँ। कैसे सिखाते हैं? बहुत अच्छे सिखाते हैं। कब से सीख रहे हैं? मेरा 3 महीना हुआ। 3 महीना? हाँ। हो गया, आ जाइए सुबोध जी, आ जाइए, आ जाओ मनीष, इधर आ जाओ। कहाँ से हैं? वैशाली डिस्ट्रिक्ट राघोपुर से। क्या अभी पढ़ाई चल रही है? अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है तो मैं फिजिकल के लिए ज्वाइन किया हूँ संघर्ष डिफेंस एकेडमी, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे जितना बार चाहिएगा उतना बार मौका मिलता है। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम संघर्ष में, ठीक है? आपका भी निकला हुआ है? हाँ, मेरा भी निकला हुआ है बिहार पुलिस। हाँ, अभी मतलब कि सुबह में जब आते हैं तो रनिंग करवाया जाता है, 20 चक्कर मराया जाता है। 20 चक्कर कहने का मतलब कि एक चक्कर जो रहता है 400 मीटर का रहता है, यानी कहने का मतलब कि 8 किलोमीटर आपको रनिंग कराया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद 4 स्प्रिंट मराया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है? जी सर। आप कहाँ से हैं सर? सारण जिले से हैं हम। आप लोग पुलिस बनिएगा तो अच्छा काम करिएगा। एकदम बिल्कुल अच्छा करेंगे, पूरा जुनून के साथ। अभी वाला नहीं है तो घूस ना लीजिएगा। नहीं भैया, घूस कैसे, नहीं घूस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। चलिए अच्छा है, आप लोग घूस मत लीजिए। आओ भी कोई कुछ बोलेंगे? आप लोग सब निकाले हुए हैं, तैयारी कर कुछ बताइएगा तब ना। जैसे देखिए, पहले नौकरी लग जाता है, फिर क्या होता है कि तिलक वाला सिस्टम बढ़ जाता है, सही बात है ना? कितना तो तिलक कितना लीजिएगा? फिर ये करवा देना है, समझ गए? फिर ये करा देंगे एकदम पक्का, 100% गारंटी। रिकॉर्ड हो रहा है कि बिहार पुलिस में होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट शादी होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट? पापा मम्मी तिलक का डिमांड कर, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि नहीं लेना है तो पापा मम्मी क्यों बोलेंगे लेने के लिए? मना लेंगे यहाँ दहेज के खिलाफ है। दहेज वहेज ना चलेगा, सिपाही बनना है, देश सेवा करना है, ठीक है? लोग को बताएं पहले, बताना क्या, सबका सेटल है, ठीक है? फैमिली को बता दिया गया, हमारा चिन्ह पहचान का ढेर दरोगा बना आपकी 2-3 बार में, तो पूरा एकदम डिमांड उन लोग का। शुरू में बोल रहा था कि ना नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, आंदोलन प्रदर्शन भी किया हम लोग सर जी। ये सब लव मैरिज वाला, छोड़ दिया गर्लफ्रेंड, छोड़ दिया, ठीक है? अब जो सिपाही बन गया है तब गर्लफ्रेंड वापस आ रही है, तो बिना दहेज के शादी कर रहा है, लव मैरिज वाला सब है। प्यार मोहब्बत करता है सब, नफरत से दूर है, मोहब्बत के शौकीन है, फौज के दीवाने जनाब, इसीलिए बेहतर है, ठीक है? बहुत अच्छा, ठीक है। क्या नाम बताए थे सर आप? मेरा नाम ओमकार ठाकुर है। ठाकुर जी बहुत अच्छा शायरी करते हैं। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये अभी तैयारी कर रहे हैं, कई एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और कई अभी यहाँ पर जो दौड़ होती है और तमाम जी शायरी बोलेगा। हर महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, हर महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इस दुनिया में इतना प्यार बांटूंगा मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। 3-4 लड़की तो इस शायरी में फिदा हो जाएगा, ठीक है? और भी तमाम बातें हम लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। ये तमाम अभ्यर्थी अभी यहाँ पर मोइनुल हक स्टेडियम में तैयारी कराते हैं। मनीष जी और ओंकार जी हैं, ये तमाम अभ्यर्थियों को तैयारी कराते हैं। पहले दरोगा अभ्यर्थी की तैयारी कराते हैं। मनीष, दरोगा का बैच कब शुरू कर रहे हो? पीटी के बाद खूब अभ्यर्थी पूछते हैं और तमाम अभ्यर्थियों को लेकर हम समस्याएं उठाते रहते हैं और बातें लाते रहते हैं। सुबोध जी कैमरा पकड़े हुए हैं, उनका हाथ दुख गया होगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और भी तमाम बातें मैं लाता रहूंगा। सुबोध जी कुछ बोलिएगा आप, आपका एग्जाम निकला हुआ है? नहीं, अच्छा अभी तैयारी कर रहे हैं। कई बार आंदोलन प्रदर्शन में भी सुबोध जी साथ रहते हैं। और भी तमाम बातें हम लाते रहेंगे, आपको अगर यहाँ तैयारी करना होगा तो यहाँ पर मोइनुल हक स्टेडियम में ये कराते हैं।
और भी पता जानकारी पूछेंगे तो बता देंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।